हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज़ लेके आए हैं। एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2019 को लेके बच्चों के मन में बड़े डाउट्स थे। इस टॉपिक पे पहले भी दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और दोनों में हमने कहा है कि इस साल एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट होगा। इसी जो न्यूज है इसी को और कंफर्म करने के लिए आप देखें 24 फेब का इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है और ये डिप्टी एमडी हैं एसबीआई में मिस्टर प्रशांत कुमार, उनके हवाले से न्यूज आई है कि इस साल एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ बोथ की वैकेंसीज बोथ का नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का आएगा और नंबर ऑफ पोस्ट भी ऑलमोस्ट जो पिछले साल थी 2000 प्लस 8000 उससे कम नहीं आएंगे। एंड 2020 के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो इस साल आएंगे उससे कम से कम 25% का इनहेंसमेंट, मतलब अगर इस साल 10000 आएंगे तो 12.5 हजार और 11000 अगर आई तो उसी के अकॉर्डिंग 13.5 हजार के आसपास की वैकेंसीज इस साल एंड नेक्स्ट ईयर भी आएंगी। जिन भी बच्चों के मन में ये डाउट था कि वैकेंसीज आएंगी, नोटिफिकेशन इसका आएगा या नहीं आएगा क्लर्क के लिए, तो वो प्लीज अब इसके लिए निश्चिंत हो जाए, क्योंकि जिस लेवल की खबर है, जिस लेवल के अधिकारी ने ये न्यूज दी है, तो इसमें आपको और संशय नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके प्रिपेरेशन मत कीजिए। एसबीआई क्लर्क आए या एसबीआई क्लर्क नहीं आए, ऑब्वियस एसबीआई क्लर्क आएगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क आएगा, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता उसको टारगेट करके आप प्रिपेरेशन नहीं करें। आप ये मान के चलें कि इस साल भर में एटलीस्ट एक ही लेवल की कम से कम 15 से 20 एग्जाम्स होती हैं। आजकल आप देखते हैं कि पीओ लेवल की एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस हो गया, आईपीएस आरआरबी हो गया, देन पीजीडीपीएफ प्रोग्राम के थ्रू भी कम से कम 4-5 बैंक में कभी पीएनबी ले लेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेगा, बैंक ऑफ इंडिया ले लेगा, तो वो भी एग्जाम्स आती हैं। फिर उतनी ही एग्जाम इनके क्लरिकल लेवल की होगी। देन आप इस साल देखें एलआईसी डब्ल्यूओ का नोटिफिकेशन भी आ गया और कम से कम एक या दो इंश्योरेंस सेक्टर के और नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट का भी आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पेंडिंग चल रहा था 2017 का रिक्रूटमेंट का जो केस चल रहा था उसकी हियरिंग में वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया, वो भी एक अच्छी खबर है। और उस केस में आरबीआई को उन्होंने सोलो पावर दे दिया कि जो भी पैटर्न आप अडोप्ट कर रहे थे वो फेयर एंड फाइन है और आप उसके अकॉर्डिंग जो भी है एस्पिरेंट्स उनको अपॉइंटमेंट दीजिए। इसका डिटेल वीडियो भी एक सेपरेट मैंने अपलोड किया है, जो भी बच्चे देखना चाहें उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ देख सकते हैं। तो वो भी 17th वाले बच्चों का तो सर ये अपॉइंटमेंट मिल जाएगा एंड इस साल के लिए आपको वो भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आरबीआई असिस्टेंट। तो ये साल आप सभी के लिए गोल्डन ईयर साबित होगी। बिना किसी एनी टारगेट कि मैं पर्टिकुलर एसबीआई क्लर्क या एसबीआई, नहीं, आप जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप पीओ लेवल के लिए कर रहे हैं तो पीओ की भी दीजिए एंड आप अगर क्लर्क में थोड़ी बहुत भी रुचि है तो क्लर्क की भी दीजिए, अगर क्लर्क में नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर पीओ लेवल के एग्जाम्स भी आप देखेंगे तो कम से कम आपको 10 to 12 एग्जाम्स उसी लेवल की बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मिलेंगे। अगर आप क्लर्क लेवल पे ही फोकस करना चाहते हैं तो 8-10 एग्जाम उस लेवल की भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में आपको मिल जाते। लेकिन फिर अपने मुद्दे पे आए तो इस साल एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों का ही नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। That's all for today's session. Have a nice day.